हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज्ञान प्लस चैनल में। एक बार फिर आज हूँ एक नई वीडियो लेकर। इस बार हम वीडियो में सिपाही भर्ती ऑनलाइन का आवेदन 19 नवंबर से शुरू होगा, तो इसकी वजह बारे में जानकारी देने वाले हैं कि सिपाही भर्ती का आवेदन जो 50,000 पदों के लिए 8 दिसंबर तक आवेदन होगा, 19 नवंबर से शुरू होकर 8 दिसंबर तक इसका आवेदन होगा। यह इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड, जिसमें कि 31,000 पोस्ट आपके आरक्षी पुलिस के हैं तथा 18,000 PSC के लिए पद निर्धारित किए गए हैं, इसमें ये सीधे विज्ञापन जारी होगी। इसमें आप 8 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क कितना, 400 रुपये निर्धारित किया गया है। इसमें ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 8 दिसंबर और ऑफलाइन ई चालान द्वारा आवेदन जारी करने की अंतिम तिथि कितनी होगी, 10 दिसंबर तक होगी। तो आरक्षी में कुल पद कितने, 15,000 अनारक्षित होंगे, 8,000 OBC के लिए, 6,585 अनुसूचित एवं 627 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगी। वही PSC के लिए 9,104 अनारक्षित होंगे, 4,916 OBC के लिए तथा 3,824 SC के लिए तथा 364 अनुसूचित जनजाति के लिए होंगे। पुलिस में महिलाओं के लिए 20% महिला व पुरुष दोनों अभ्यर्थी होंगे, जबकि आरक्षी PSC में केवल पुरुष अभ्यर्थी ही फॉर्म भरने के पात्र होंगे। इसमें विभिन्न कैटेगरी को आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पुलिस भर्ती में 20% महिलाओं का क्षैतिज आरक्षण लागू होगा। सरकार ने सिपाही भर्ती के 51,216 पदों की सिपाही भर्ती की प्रक्रिया नवंबर में शुरू की जाने की घोषणा की थी। हालांकि पहले 1 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन की तारीख प्रस्तावित थी। माना जा रहा है कि जनवरी में सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा होगी, तो जनवरी में पूरे उम्मीद है कि सिपाही भर्ती की परीक्षा होगी। हो सकता है कि ये टल के फरवरी तक या जनवरी लास्ट या फरवरी के स्टार्टिंग में होगी ये परीक्षाएं। तो 400 रुपये फॉर्म भरने का आपको सभी कैटेगरी के लिए आवेदन शुल्क है और 19 तारीख से आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो आप तैयार हो जाइए आवेदन के लिए और साथ ही साथ तैयारी को मजबूत करिए और रिवीजन तेज कर दीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक तथा शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।